हमने डिस्कस किया था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 11, जिसमें डिस्कस किया था व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें ह्यूमन बींग्स के द्वारा किस तरह से एनवायरनमेंट में इंटरफेयर करके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है, देन प्रोड्यूसिंग हार्मफुल रबिश। इंसान अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए क्या करता है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करता है या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट को ये सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल रहते हैं, हानिकारक रहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अब ये जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में देखो, यहाँ जो डिस्पोजल है, ये जो कचरा है, द रबिश वी जनरेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कचरा जो होता है अपना, जो डिस्पोजल होता है, ये हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये जो रबिश होता है, डिस्पोजल होता है, इसको हमने टू, यहाँ वन और ये टू, ठीक है, टू कैटेगरी में कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये टू कैटेगरीज में हमने रबिश को डिवाइड किया गया है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसे कहते हैं जो वेस्ट नेचुरली डिके हो जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से वो क्या हो जाता है, सड़ने लग जाता है, सड़नशील रहता है, घुलनशील रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका विघटन होता रहता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसे कहते हैं जो नेचुरली डिके, नेचुरली सड़ता नहीं है, वो वैसे के वैसे एनवायरनमेंट में रहता है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, आप समझ सकते हो, यस, पॉलिथीन वगैरह, इसमें पत्ते वगैरह जो नेचुरली रूप से क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस काइंड ऑफ वेस्ट डिके नेचुरली इन द सॉइल। जो वेस्ट नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिट्टी में सड़ जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। व्हेन रॉटन फ्रूट्स और देयर पील्स, वेजिटेबल पील्स, वुड, पेपर्स एटसेट्रा। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल्स देखो, मैं आपको बता रही हूँ, फ्रूट्स और देयर पील्स, ठीक है, वेजिटेबल्स पील्स, देन वुड एंड पेपर। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ देखिए, फ्रूट्स और देयर पील्स, वेजिटेबल्स पील्स, वुड, पेपर, ये जो सारे थिंग्स है, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरली सॉइल में डिके हो जाते हैं। पेपर्स आर थ्रोन इन टू ओपन, दे आर एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रोब्स इन द सॉइल एंड डीकम्पोज इन टू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये जब मिट्टी में मिक्स होते हैं, तो इसमें एक तरह से
सॉइल में मिलकर ये क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में अच्छे से मिल जाते हैं और इनका विघटन ये क्या हो जाते हैं, सॉइल में सड़ जाते हैं। और ये जो सड़ने की क्रिया है जिससे क्या होता है, अपने सॉइल में क्या होती है, फर्टिलिटी तैयार होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है सॉइल में, यानी एक तरह से सॉइल में क्या मिलता है, खाद मिलता है सॉइल को, मिट्टी में एक तरह से नेचुरली खाद तैयार होता है। अब देखिए ये तो सारे हो गए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में देखिए इसमें क्या होता है, जो थिंग्स नेचुरली डिके नहीं होती, जिसको डीकम्पोज्ड मिट्टी में नहीं होती, सॉइल में नहीं मिल सकती, ऐसे जो थिंग्स रहते हैं उनको हम, जो वेस्ट रहता है उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो, ये नेचुरली मिट्टी में यस डिके हो जाते हैं और इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये डिके नेचुरली डिके नहीं होता है और क्या नहीं होता है, मिट्टी में ये परमानेंटली जैसे कि तैसे रहता है, जिस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। अब देखिए इसका हम देखते हैं, दिस काइंड ऑफ वेस्ट डू नॉट डिके नेचुरली एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रोब्स इन द सॉइल। मिट्टी में ये किसी तरह से घुलनशील नहीं होते, मिट्टी में मिक्स नहीं होते और ना डिकम्पोज होते हैं। अब ये जो थिंग्स है ये कौन से, देखो प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलीथीन बैग्स, डिटर्जेंट पाउडर, ओके, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एंड डिटर्जेंट, ये जो वेस्ट्स है ये नेचुरली डिके नहीं होते, ये एनवायरमेंट में जैसे के तैसे रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, इसीलिए इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। स्टे इन द सॉइल परमानेंटली एंड पॉल्यूटेड, ये क्या होते हैं, एनवायरमेंट में परमानेंटली जैसे कि तैसे रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता रहता है। आज हमने देखा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल देखा। अब हम क्या करेंगे, ये जितना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आज हम क्या करेंगे, अब रीड करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 70, ओपन योर बुक पेज नंबर 70, ओपन योर बुक पेज नंबर 70। आज हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हमने डिस्कस किया था। अब हम रीड कर लेते हैं। द रबिश वी जनरेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस काइंड्स ऑफ वेस्ट डिके नेचुरली इन द सॉइल व्हेन द रोटन फ्रूट्स और their peels, vegetables peels, wood, paper, etc. are thrown into open. They are acted upon by the microbes in the soil and decomposed into simple organic matter which increase the fertility of the soil. Next is नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज काइंड्स ऑफ वेस्ट डू नॉट डिके नेचुरली एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स इन द सॉइल। यूज्ड
प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, डिटर्जेंट एटसेट्रा स्टे इन द सॉइल परमानेंटली एंड पॉल्यूट इट। और देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स बताए हुए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के, इसमें डेफिनेशन भी दिए हुए वेस्ट दैट डीके नेचुरली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन देखिए, वेस्ट दैट डू नॉट डीके नेचुरली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बायोडिग्रेडेबल्स के, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ, वुड एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल। ये सारे क्या है? बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट।